दोस्तों, आज की हम अपनी खबर शुरू करें एक अनुरोध के साथ कि आप अगर हमें किसी ऐप पर देखते हो तो उस ऐप पर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हमारा नोटिस आप तक पहले पहुंच जाए। यही नहीं, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी से हम लोग पूरा विश्व ही पीड़ित है और हमारा शहर, हमारा प्रदेश, देश सभी पीड़ित हैं और लगभग 4 महीने से हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। उसका असर सीधा सबके रोज़गार पर, सबकी रोजी रोटी पर पड़ा है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो और चाहे वो हमारे अधिवक्तागण हो। अधिवक्तागण अपनी पूरी ज़िंदगी जो है गरीब मजलूम लोगों की सहायता में बिता देते हैं, लेकिन आज वो स्थिति है, कहना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे ज़्यादा असहाय और परेशान हमारे अधिवक्ता भाई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोर्ट का काम, सारे काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। तो क्योंकि वो एक उनका स्टेटस इस तरह का होता है कि हमारे सबकी अपनी अपनी ईगो और अपना आत्मसम्मान है, हमारे अधिवक्तागण भाई कभी मुँह से कभी कहेंगे नहीं, पर ये सबको दिख रहा है कि वो किन हालातों से जूझ रहे हैं। क्योंकि प्रवीण सिंह एरन जी खुद भी एक अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं और मैं उनकी पत्नी होने के नाते ये पूरा हमारा अधिवक्ता परिवार है, तो अगर हम ही नहीं उसको समझ पाएंगे तो और कौन समझेगा। जबकि शायद हम लोग सब जान रहे हैं कि आधे से ज़्यादा पॉलिटिशियन हमारे देश के जो है अधिवक्ता हैं, उनको सबको समझना चाहिए, लेकिन चलिए वो बात अलग है। तो अधिवक्ता परिवार के होने के नाते हम लोग ये दुख को हमने समझ पाए हैं और एक छोटी सी एक हमारा एफर्ट है, एक बहुत ही तुच्छ सी राशि है, हम कोई इसको बहुत बड़ी राशि कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार में एक जो कोर्ट परिसर में ही इतने लोग हैं, तरह तरह के हमारे सहायक गण भी रहते हैं, मुंशी हैं, कातिब हैं, बहुत तरह के लोग काम करते हैं इस पूरी प्रणाली में, बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं, तो ये राशि उस हिसाब से बहुत ही तुच्छ है। लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ, इसलिए हमने ये आज 2 लाख रुपये की राशि बरेली बार एसोसिएशन के लिए और 50-50 रुपये नवाबगंज और मीरगंज बार के लिए एक भेंट की है। बरेली के लिए 2 लाख रुपए की राशि है बरेली बार के लिए और उम्मीद कर रहे हैं ये एक औरों के लिए एक मैसेज देने के लिए भी है, एक चेन रिएक्शन के लिए भी हम कोशिश करें कि इससे एक चेन रिएक्शन हो और आगे और संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं आगे आएंगी और सहयोग करेंगी आगे बढ़कर। तो ये एक वो भी प्रयास है और हमारी तरफ से, क्योंकि इस परिवार के हैं तो एक छोटा सा एक एफर्ट है, इस महामारी में सब लोग जूझ रहे हैं तो एक हमारा प्रयास है। और जैसा हम जानते हैं कि ये जो स्थिति है ये बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है, ये लगभग पूरा साल ही इस तरह से निकलने वाला है, तो ये सब देखते हुए मैं ये भी एक अपील करूंगी बरेली की और संस्थाओं से भी कि आगे आए और मदद करें। हाथ में चेक पे हाथ लगा लीजिए दोनों का। एक मिनट। वैश्विक महामारी में जहां सारा कारोबार, व्यवसाय, जितने इंडस्ट्रीज हैं सब ध्वस्त और बर्बाद है, मजदूर को मजदूरी मिलना मुश्किल है, अधिवक्ता तो हमेशा से मजदूर है, और व्यवसायी को उसका व्यवसाय मिलना मुश्किल है। ऐसे हालात हो गए हैं कि संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं जिनको आगे आना चाहिए वो संकोच में, कुछ आ रही हैं, कुछ संकोच में, उन संकोच को दूर करते हुए तमाम संस्थाएं जो आगे आई हैं, जिन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में समाज के लिए कुछ अपना योगदान किया है, उस मौके पे ऐसे विषम समय में, और मैं तो ये कहता हूँ कि अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक काफ़ी होता है, आपका ये जो योगदान 2 लाख रुपए का है ये उस दीपक के समान है जो इस सारे अंधकार को दूर करेगा। मिसाल है।